मेरा नाम मोहम्मद सरताज और आप देख रहे हैं सरताज फर्नीचर आई के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रोफाइल के पल्ले किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों जो हम प्रोफाइल के पल्ले बनाते हैं अलमारी के, वो मैं आपको आज बना करके दिखाऊंगा पूरे तरीके से। आप पूरा सीखने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी जोड़ी नाप लेंगे, ये हमारी अलमारी है, हम इसकी जोड़ी बनाएंगे प्रोफाइल के पल्लों की जोड़ी, ठीक है। इसकी हम पहले नाप ले लेते हैं कि इसकी कितनी क्या साइज होगा, ठीक है। यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे पहले, जहाँ तक हमारी जोड़ी आएगी यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब उसी हिसाब से इसको नाप लेंगे। अब दोस्तों इसका ग्रुप जो आएगा, दो साइडों में ग्रुप आएगा डेढ़ डेढ़ सूत का, ठीक है। तो डेढ़ सूत का अगर दो जगह ग्रुप आएगा तो वो हो जाता है हमारा तीन सूत। तीन सूत छोटी जोड़ी बनाएंगे हम, ठीक है। तीन सूत छोटी जोड़ी बनाएंगे। ये जोड़ी है हमारी 31 इंची की, 31 में से तीन सूत अगर हम कम करेंगे तो वो बैठेगा हमारा 30 इंची 5 सूत, ठीक है। तो 30 इंची 5 सूत की जोड़ी बना के इसकी लंबाई भी नाप लेंगे। लंबाई इसकी हमारी 90 इंची, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसका हम माल कटिंग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हमारी प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है हमारी विदाउट हैंडल, जिसमें हैंडल नहीं है, ठीक है। और ये वाली प्रोफाइल हमारी विद हैंडल, जिसमें ये वाली हैंडल वाली है, विदाउट हैंडल वाली है, ठीक है। ये हैंडल वाली। अब दोस्तों इसको हम पहले इसकी साइडें काट लेते हैं 90 इंची की। दोस्तों ये जो कलम का ठिया बना रखा है मैंने, कलम काटने का ठिया, इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं वीडियो, और आप मेरे चैनल पे जाके भी इसकी वीडियो चेक कर सकते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, ठीक है। इसको 90 इंची हम इसकी हाइट काट लेते हैं। ये दोस्तों यहाँ से इसको मिलाएंगे, जो निशान होता है ना उसके ठीक के कोने पे मिलाएंगे, ठीक है। ठीक है, कोने पे मिला के इस तरीके से इसको काट देंगे और ये हमारी कलम कट जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। दोस्तों अगर आपको फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये हैंडल वाली प्रोफाइल है, इसको हम कैसे काटेंगे, इसको हम पहले कलम नहीं काटेंगे, इसको हम पहले निशान लगाएंगे और 90 इंची इसको गुनिया से काट लेंगे, ठीक है। ये पहले गुनिया रखेंगे इस तरह से और गुनिया से इसको कटिंग कर लेंगे। इसकी पहले कटिंग नहीं करते, मतलब पहले कलम नहीं काटते इसकी, इस तरीके से इसको पहले सीधी सीधी काट लेंगे गुनिया से। ये देखिए 90 इंची, ठीक है। अब इसके जो कलम काटेंगे वो यहां से आगे को कटती है कलम, ठीक है। पीछे से पूरी हैंडल से नहीं कटेगी, यहां से आगे को हैंडल हैंडल छोड़ के इसकी हम कलम काटेंगे। ये इस तरीके से रखेंगे इसको, थोड़ा सा पीछे नीचे जो खांचा सा आ रहा है इसका, वहां से पीछे को रखेंगे इसको और इस तरीके से इसकी कलम पीछे पीछे को काट लेंगे। ये देखिए हैंडल छोड़ देंगे, हैंडल से आगे आगे को हम इसके कलम काटेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ की कलम काट लेते हैं, ठीक है। ये दो अब जैसे ये हमारा है 90 इंची, हमने हाइट काट ली है 30 इंची 5 सूत की चौड़ाई है इसकी जोड़ी की, उसका आधा हो गया हमारा 5 इंची 2.5 सूत, ठीक है। अब 5 इंची 2.5 सूत में जो हमारा एक साइड में हैंडल आता है 15 इंची 2.5 सूत, मैं कितना 15 इंची 2.5 सूत, ठीक है। अब इसमें जो हमारा एक हैंडल आता है वो होता है हमारा 7 सूत का, तो ये हमारे 15 इंची 2.5 सूत में से अगर हम 7 सूत निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा 14 इंची 3.5 सूत, ठीक है। 14 इंची 3.5 सूत की ये हमारी ऊपर नीचे की वो कटेंगे 14 इंची 2.5 सूत, क्योंकि हमारा इसमें 7 सूत का हैंडल आता है, ये वाला हैंडल जो होता है हमारा, ये वाला हैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा 7 सूत का होता है, ठीक है।
तो ये 7 सूत हम इसमें कम कर लेंगे, 7 सूत कम करके ये हमारा बनेगा 14 इंची 3.5 सूत। ठीक है, अब हम ये काट लेते हैं। तो अब दोस्तों हम इसके ऊपर नीचे के जो इसके ऊपर नीचे के जो पीस होते हैं उनको काट लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ये 7 सूत कम कटते हैं हमारे, मतलब 7 सूत का इसमें हैंडल होता है ना प्रोफाइल में हमारा लगा हुआ, तो इसलिए 7 सूत ये कम काटने पड़ते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इसके हैंडल इसके ऊपर नीचे के पीस भी हम काट लेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए फर्नीचर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से, अब दोस्तों ये हमारे ऊपर नीचे के भी पीस कट चुके हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे के भी पीस कट चुके हैं हमारे सारे। अब मैं आपको ये जोड़ के दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से इसके कनेक्टर वगैरह लगाते हैं। ये देखिए, ये ऊपर नीचे के पीस हैं 4 पीस, और 4 पीस हमने ये लंबे भी काट लिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये कनेक्टर होता है जिससे हम पल्ले को जोड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा कनेक्टर होता है, इसमें 4 पेच लगते हैं। इस तरीके से ये इसके बीच में फंस जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको साइडों में, दोनों साइडों पे कनेक्टर के पेन से निशान लगा लेंगे और इस कनेक्टर को इस पे रखेंगे बिल्कुल सीधा। यहाँ से हाफ, इसको आधा जो कट लगा हुआ होता है यहाँ से रखेंगे इसको इस निशान पे से, और इसको सीधा रखेंगे बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब सीधा रख के और इसमें निशान लगा लेंगे। अब इसी तरीके से दूसरी साइड को कर लेंगे, हम निशान लगा लेंगे दोनों साइड और उसी से मिला के, उन निशानों से मिला के इसको आधा आधा निकाल के, यहाँ से यहाँ तक आधा आधा निकाल के, और इसके इसको सीधा रखेंगे बिल्कुल, और इसके दोनों सुरागों में निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों निशान लगा के ड्रिल मशीन से हम इसमें सुराग कर लेते हैं। इनमें सब में इसी तरीके से निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, सारी सारे पीसों में इसी तरीके से निशान लगा के और इसमें ड्रिल मशीन से हम सुराग कर लेंगे। सुराग करके इसमें कनेक्टर डालेंगे, कनेक्टर डाल के अपने अब दोस्तों ये हमारे कनेक्टर इसमें लग चुके हैं। अब दोस्तों जैसे कि ये कनेक्टर हमने लगाए हैं तो जो सुराग किए थे वो तो थोड़ा हमारा अंदाजे होता है ऊपर से रखने का, तो वो थोड़े बहुत आउट भी हो जाते हैं सुराग। तो जैसे जितने भी जिधर को भी थोड़े बहुत आउट होते हैं ना, उस तरफ को इस तरीके से पेन से निशान लगा लेंगे हम, और पेन से निशान लगा के इस तरीके से हम इस पे पेन से निशान लगाने के बाद इस तरीके से निशान लगा के, और जो ड्रिल मशीन होती है ड्रिल मशीन के बिट से हम इसको मतलब उतना ही घिस देंगे प्रोफाइल को, जैसे कि थोड़े थोड़े हमारे सुराग इधर उधर जा रहे हैं उसके कनेक्टर के, इस तरीके से निशान लगाएंगे। और यहाँ पे ड्रिल मशीन से इसको घिस लेंगे इसके सुरागों को, ज्यादा चौड़ा नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ बिट वहां पे चलाना है जिधर को ये निशान जा रहा है, निशान की तरफ को, चारों तरफ को बिट नहीं चलाना। अगर चारों तरफ को चौड़ा कर दिया हमने सुराग तो इसका पेच अंदर चला जाएगा, इसलिए चौड़ा नहीं चलाना है इसको बिट को, चारों तरफ को सिर्फ लंबा चलाना है इसको। ठीक है, ताकि हमारा उतना ही घिसा जाए जितनी हमें जरूरत हो। ये देखिए दोस्तों, एक तरफ से हमारा ये पल्ला हो चुका है बनके तैयार। अब दूसरी तरफ से उसको, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि किस तरीके से हम इसको घिस के लगाएंगे, अब इसको हम इसी तरीके से घिस के, मतलब इसके सुरागों को मैच करके इस तरीके से सुराग इसके मैच कर लिए हैं हमने, थोड़े थोड़े घिस लिए हैं, इसको भी थोड़ा थोड़ा घिस लेते हैं।
इसको इस तरीके से खींच के और इसमें पेज खींच लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब ऐसे इसको कनेक्टर को डालेंगे इस तरीके से और इसमें पेज लगा लेंगे। इसको पूरा प्रॉपर तरीके से मिलाएंगे, कलम को ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए कलम इसकी, दोनों बराबर होनी चाहिए कलम, ठीक है। और इस तरीके से इसमें पेज हम खींच लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से इसमें पेज खींच लेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी तरह की अगर आपको वीडियो चाहिए कोई भी फर्नीचर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, कितना बेहतरीन हमारा पल्ला बना है। अब इसी तरीके से हम इसके दूसरा पल्ला बना लेंगे, इसके जोड़ी के साथ का। इसी इसी तरीके से जो दूसरा पल्ला बना लेंगे इसका। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों इनको इतना टाइट कर लेंगे कि जो ये जो हमारी प्रोफाइल होती है वैसे ही 1 mm की होती है, मतलब इसकी जो मोटाई होती है प्रोफाइल की 1 mm की होती है, जो इसमें पत्ती लगी हुई होती है। तो इसको इतना टाइट कर लेंगे कि इसके पेज पे ये पेचों से अंदर को बैठ जाती है थोड़ी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा पल्ला बन के हो चुका है तैयार और यहाँ पे अलमारी पे हम इसको लगा देंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा पल्ला बन के तैयार हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।